आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी को अब सदस्य बनाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आज से सदस्यता अभियान, मेगा सदस्यता अभियान, बीजेपी कार्यालय दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी दफ्तर भोपाल स्थित तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वीडी शर्मा मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी बोलने जा रहे हैं, सीधे उनको सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, राजनाथ जी, अमित भाई और सभी साथी, आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुप्रत करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है, अनेकों पीढ़ियां खप गई है। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे, ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। मैं जब राजनीति में नहीं था उस जनसंघ के जमाने में, बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे।
और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। और कुछ लोग हमेशा हमारी मजाक उड़ाते रहे हैं। जब संसद में हमारे दो सदस्य थे तब भी इतना भद्दा मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था। कुछ लोगों का चरित्र ही ऐसा होता है और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसी सब प्रकार की आलोचनाओं को झेलते हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए समर्पित होकर के नेशन फर्स्ट की भावना को जीते हुए हम चलते ही रहे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। एक समय था जब जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान, और आज भी कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए जूझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज के समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था, और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब एक महिला लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में एक महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सहकर के ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों, मैंने सालों तक
संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है, ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। मां भारती के कल्याण के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें, कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा उसी समय जो संगठन की रचना होगी उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं, जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर से बीजेपी के सदस्यता अभियान के आगाज पर बोल रहे थे कि हमारे यहां हर एक सदस्य परिवार के सदस्य के तौर पर होता है और नए सदस्य के आगमन पर जितनी खुशी होती है वैसी खुशी पूरी पार्टी को हो रही है।